नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अहमदनगर की, जहां अहमदनगर के लोकल क्राइम ब्रांच ने 5 बुलेट 10 मोटरसाइकिल चुराने वाले गैंग को भेजा जेल। आगे बात होगी पीथमपुर की, जहां उद्योगों से पीथमपुर नगर पालिका को टैक्स लेने की मनाही के विरुद्ध उच्च न्यायालय से मिला स्टे। साथ ही आगे चर्चा होगी रोहतास की, जहां मनरेगा द्वारा बरसात से पहले करहा की खुदाई एवं सफाई का कार्य हुआ प्रारंभ। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। अहमदनगर जिले में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं, इसलिए पुलिस अधीक्षक राकेश ओला ने स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक दिनेश आहिर को जिले में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और अपराधों का खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। आरोपी अनिल मोतीराम अल्हाट, हर्षद किरण तामहने, निखिल उद्धव गोटके सभी जिला अहमदनगर के हैं। जब उससे बिना नंबर की मोटरसाइकिल के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उक्त मोटरसाइकिल चोरी की है। तदनुसार हिरासत में लिए गए 3 आरोपियों से क्या उन्होंने अन्य मोटरसाइकिलें चुराई थी, इसकी जांच करते हुए उनके पास से 13,70,000 रुपये कीमत की 5 बुलेट 10 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। अहमदनगर जिले से चुराई गई मोटरसाइकिल के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और बरामद करने के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक श्री राकेश जी ओला सर, इन्होंने सख्त आदेश दिए थे। उसके मुताबिक स्थानीय गुन्हे शाखा लोकल क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल फोलाने, अमोल कोतकर, भौसेब काले इन जवानों के अगुवाई में एक पथक तैयार किया गया था। आज रिकॉर्ड पर का एक गुनहगार अनिल अल्लाट, इसको श्रीगोंदा से कब्जे में लिया हुआ है। उसने और जानकारी दी है, उसके मुताबिक उसके दो दोस्त के साथ में उन्होंने एक 10 मोटरसाइकिल चोरी की थी। वो 10 के 10 मोटरसाइकिल उनसे रिकवर हुई है। महाराष्ट्र अहमदनगर से सीनियर संवाददाता जयप्रकाश बागड़े की रिपोर्ट। जनपद भदोही के थाना क्षेत्र ज्ञानपुर के हरिहरपुर शुक्लपुर गांव में बीती रात घर के समीप सड़क पर पुरानी रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर हाईकोर्ट से घर लौट रहे बाइक सवार 3 युवकों को गोली मार दी, जिसमें एक की घटनास्थल पर मौत हो गई तथा अन्य 2 घायलों को इलाज हेतु जिला अस्पताल में लाया गया। यहां चिकित्सकों ने गंभीर अवस्था में दोनों को रेफर कर दिया है। बताया जाता है कि वर्ष 2023 में 12 जून को 2 पक्षों में पुरानी दुश्मनी को लेकर मारपीट हुई थी। मारपीट में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी और गंडासे से हमला कर दिया था, जिसमें घायल का वाराणसी में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। उसी रंजिश को लेकर उपरोक्त हमले की घटना कारित होना बताया जा रहा है। क्षेत्र ज्ञानपुर में एक हरिहरपुर शुक्लपुर गांव है, जिसमें लगभग 12 बजे के करीब एक व्यक्ति की PRV पे सूचना मिली कि एक्सीडेंट हुआ है और 3 लोग घायल पड़े हैं। तुरंत मौके पे संबंधित PRV पहुंच गई थी, तो ये देखा गया कि एक्सीडेंट की घटना नहीं थी और फायरिंग की घटना थी। एक व्यक्ति जो बिल्कुल बेहोश पड़ा था और 2 व्यक्ति कॉन्शियस थे, तीनों को तत्काल जो है CHC ले जाया गया। वहाँ पर एक व्यक्ति ब्रॉट डेड डिक्लेयर किया गया और बाकी दोनों की हालत अभी स्थिर है, स्टेबल है, परंतु फिर भी उनको रेफ़र किया गया है और मौके पे जो है शांति व्यवस्था कायम है, फोर्स तैनात कर दी गई है। जो संदिग्ध व्यक्ति थे उसमें प्रथम दृष्टया जिनका नाम आ रहा है, उनको 6-7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है। शीघ्र ही इसका जो है सफल अनावरण किया जाएगा। किस बात को लेकर मैडम गोली चली है? देखिए, अभी कुछ कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा। ऐसे तथ्य सामने में आए हैं कि लगभग एक साल पहले यहाँ पर एक हत्या का केस दर्ज हुआ था और उसमें जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी और ऑपोजिट पार्टी के कुछ 9 लोग थे, वो जेल में बंद थे, गैंगस्टर भी लगा था। अब उन्हीं पक्ष के लोगों के ऊपर पुनः, हालांकि वो सब जेल में थे, उनके पक्ष के अतिरिक्त लोगों पर हमला किया गया है और फिर भी अभी गहनता से जाँच की जा रही है और शीघ्र ही इसका जो है सफल अनावरण किया जाएगा। भदोही से सीनियर संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। औद्योगिक विकास निगम द्वारा पीथमपुर में निवेश क्षेत्र घोषित करने के बाद MPIDC द्वारा
पीथमपुर क्षेत्र के उद्योगों को एक परिपत्र जारी कर संपत्ति कर नगरपालिका पीथमपुर को जमा नहीं करने को कहा। वहीं पीथमपुर नगरपालिका को भी सूचित किया कि वे उद्योगों से टैक्स वसूली ना करें। इसके बाद अधिकांश लोगों ने नगरपालिका को टैक्स देना बंद कर दिया, जिससे नगरपालिका की आर्थिक स्थिति भी गंभीर हो चली थी। उद्योगों से टैक्स वसूली पर जारी आदेश के तहत टैक्स वसूली पर रोक लगा दी थी। इसी कारण नगरपालिका पीथमपुर उद्योगों से टैक्स नहीं वसूल कर पा रही थी और निकाय को लाखों रुपए सालाना क्षति हो रही थी, जिससे निकाय के विभिन्न विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, विगत वर्षों में एकेवीन ने जो अपना एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया था, उसको एरिया को नोटिफाई करके उन्होंने पृथक किया था और नगरपालिका को जो है टैक्स लेने से वंचित कर दिया था। साथ ही उद्योगों को भी ये कहा था कि नगरपालिका को वो आगे से जो है संपत्ति कर और अन्य कर जो है नहीं देंगे। चूँकि ये सारा क्षेत्र जो है वो नगरपालिका की सीमाओं में निहित है और नगरपालिका को संपत्ति कर वसूल करने का, भवन निर्माण की अनुमति देने का, कॉलोनी विकास करने का पूर्ण अधिकार है, संविधान से प्रदत्त अधिकार है। इससे व्यथित होकर परिषद ने माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन दायर की थी और पिटीशन पर माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय लेकर जो पत्र AKVN ने जारी किया था उस पर स्टे कर दिया है और नगरपालिका अब जो है उसमें टैक्स वसूल कर सकती है। सर, इसमें कितना टैक्स होता था ईयरली लगभग? ये लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास हम लोगों का वार्षिक कर वसूल होता था, जो कि हमें नहीं मिल पा रहा था। अब उम्मीद है कि ये राशि हम लोग वसूल कर पाएंगे और उद्योगों से भी मेरी अपेक्षा है कि वो भी इस राशि को जमा करेंगे, जिससे नगरपालिका मूलभूत सुविधाओं को सुचारू रख सके। आपका नाम बता दें? निशिकांत शुक्ला, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। धन्यवाद। धार से सीनियर संवाददाता कैलाश सागर की रिपोर्ट। थ्योथर नगर परिषद CMO आनंद श्रीवास्तव इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि साहब कुछ माह बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में CMO साहब ने वसूली अभियान चलाया हुआ है। कोई भी बिल पास करने हो या केंद्र राज्य सरकार की कोई योजना का लाभ लेना हो तो पहले उसमें दक्षिणा चढ़ाई जाती है, तब कार्य होता है। साहब ने पर्सनल दलाल भी पाल रखे हैं जो सिर्फ रिश्वत की सेटिंग करता है। अब बिल पास कराने को लेकर CMO आनंद श्रीवास्तव के द्वारा राधा कान्हा टेंट संचालक अजय मिश्रा से रिश्वत के रूप में पैसे के लेन देन का ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर सुना जा सकता है कि साहब 5,000 रुपयों की राशि ले रहे हैं और ठेकेदार विनती कर रहा है कि साहब हम गरीब हैं, दया कीजिए। पर CMO साहब को ठेकेदार पर दया नहीं आई और रिश्वत ले लेते हैं। वहीं पूरे मामले में पीड़ित ने शिकायत तत्कालीन संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन रीवा रामेश्वर सोनी से की थी, पर संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन ने सिस्टम के खेल खिलाड़ी बन गए। पर अब देखना होगा कि वायरल ऑडियो होने के बाद वरिष्ठ अधिकारी थ्योथर CMO साहब के ऊपर क्या कार्यवाही करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि सी न्यूज भारत इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। आप बाहर गिन के एक लिफाफे में भर के आप यहाँ कर पाँच निकला है बस, और इतना मिला ही है, मान लीजिए 5-10 नहीं था। हो गया अभी पीछे है। अरे अब तो रंग दिखा जी गल कैया हो गई था। हाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? असली है कि नकली है? नकली लगे हो दिखा, ये यही थोड़ा सा हो जाता है। हाँ, दिमाग का भरा है। हम लोग बोल रहे हैं अब ये हर अगर गरीब आदमी हम कर दिए हमारा आज कह दिए नहीं देना है कर दीजिए, क्योंकि हम 5,000 लेके आए। मैं जाना है।
शेरा बोले तो बोल दिया शेरा भैया बोला जी सर कर दें हाँ सर फिर भी कहा तो हमारे किसी का है हमारा भी है उसमें दो तो मतलब वो भी हमारे के यार पैसा है नहीं पैसे का है वहाँ वो अभी अपना जान ही कही नहीं हम बता रहे हैं दी हो यार हो गया दो दिन वो भी अभी क्या है जानते हो ये आरोप लगा दी कि आप एक मल्ले कर दिए हो बिना मतलब पता नहीं कैसे ये लोग एक एक बोले काटे नहीं ये तो 2000 की है तो फिर 2000 रुपये ना हो गए हाँ 2000 रुपये तो आएगा का सोमवार भाई की फैली नहीं लिया का कौन फाइल तो तुम्हारा कह लगा अपना करा ना चुपचाप फोटो लगा दी फोटो तो आई है देखिए जी जी15 तो ठीक है आगे 24 कर दीजिए बस नहीं खोलन रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत डंडवाड़ी महेंद्र कहार के घर से कर्मा गांव होते हुए चेनारी नदी तक मनरेगा का कार्य कराह सफाई कोन की पंचायत वर्तमान मुखिया संतोष कुमार महतो एवं वार्ड नंबर 8 के उपेंद्र पासवान ने बताया कि यहां नदी की खुदाई 1.5 फीट एस्टिमेट पेपर पर है। वहीं हम लोग अपनी ईमानदारी से 1.5 से 2.25 फीट तक खुदाई करवा रहे हैं। वहीं पर कुछ मजदूरों से भी राय ली गई तो बताया कि यहां कार्य सही से हम लोग कर रहे हैं क्योंकि इससे सिंचाई भी हम ही लोगों को करना है, इसलिए यहाँ का काम सही सलामत चल रहा है। वहीं मौके पर सत्यनारायण पासवान, दिनेश पासवान, सुरेश पासवान, मुन्ना बिन, दसवीं पासवान, संतोष बिन आदि उपस्थित रहे। नाम का बा? कमेश्वर पासवान। अच्छा कमेश्वर जी बताइए कि यहाँ पर अभी क्या हो रहा है? माटी खनाता है। अच्छा माटी खनाता, ये किसके नेतृत्व में खना रहा है, किसके ऑर्डर से खना रहा है मिट्टी? मुखिया जी के, उपेंद्र। अच्छा ठीक है धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? हमारा उपेंद्र पासवान, वार्ड नंबर 8 है जी। उपेंद्र पासवान जी ये बताइए कि ये काम जो है किसके नेतृत्व में चल रहा है? ये हमारे मुखिया जी संतोष कुमार महतो मनरेगा के काम और हमको सौंपे हैं जी, काम करवाई है। तो ये आपके दृष्टि से देखने से यहाँ कार्य जो हो रहा है वो सही से हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। तो देखने की चीज़ है, आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं। अच्छा
सर, तो ये इन लोगों का पेमेंट जो है समय टू समय आप पास करवा देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग समय पर पेमेंट भी अच्छा रहता है खाते में। अच्छा, समय टू समय पेमेंट मिल जाता है, अब सभी लोगों के खाते में डाल दिया जाता है। चलिए, बहुत बहुत। आज जो है कितने लोगों को काम में लगाए हैं? 24 लोग लगे हैं। 24 लोगों को लगाए हैं, अटेंडेंस 24 लोगों का ही बनाया ना सर? जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? नाम बताओ, नाम बताओ। ये बताइए सर जी, यहाँ खुदाई कितना फीट चल रहा है? 1.5 फीट, 1.5-2 फीट चल रहा है। तो यहाँ काम सही से हो रहा है? सब सही से हो रहा है। पगार पे समय से मिल जाता है आपका? हाँ हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहतास से सीनू संवाददाता ब्रिज किशोर पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।